क्या क्या करना पड़ रहा है तुम लोगों के लिए। सोसाइटी में ऐसे खुलेआम घूम रहा हूँ सुबह सुबह, लोग देख रहे कर क्या रहा है। आज हम बात करने आए हैं एक फैमिली मेंबर के बारे में, नॉट जस्ट अ बाइक। इस बाइक को किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, रॉयल एनफील्ड बुलेट। सिंगल स्लेंडर 346 सीसी, हॉर्स पावर 19, न्यूटन मीटर 28, ग्राउंड क्लियरेंस 135 एंड सीट हाइट 800। थोड़ा सा वेट करो, किक मारनी पड़ेगी। ये सेल्फ वाला नहीं है। तो गाइस, दिस इज रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 विद द किक वाला, द रियल बुलेट। सो कंपनी ने रिसेंटली क्या करा है कि अपना न्यू बुलेट लॉन्च करा है एंड इसकी किक निकाल दी है। जो बंदा स्टैंडर्ड को ख़रीद रहा था फॉर द किक ओनली, वो बंदा अब क्या करेगा। कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर उनको किक नहीं चाहिए तो वो ऑलरेडी क्लासिक परचेज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वो लोग परचेज कर रहे थे जिनको किक चाहिए थी एंड ऑलरेडी उस चीज़ को निकाल दिया कंपनी में। सो इस इंजन में और उस इंजन में क्या फ़र्क है। एक्चुअली रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा काम किया, जो न्यू इंजन है वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बट नॉट दैट वन। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, रिलायबिलिटी इशू हैं, वाइब्रेशन इश्यूज हैं एंड ऊपर से जो ये वाला मॉडल है इसमें कुछ भी नहीं आता था, ना सेल्फ स्टार्ट है और एंड तक इसमें डिस्क ब्रेक नहीं थी। अब रिसेंटली लास्ट ईयर्स में देनी शुरू करी थी बिकॉज इनके नॉर्म्स नहीं पास हो रहे थे। दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो एनीमोर बिकॉज इस बाइक को रिव्यू करना शायद बेवकूफ़ी होगी मेरी। पहला तो ये आउटगोइंग मॉडल है, ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। मैं से रिव्यू सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके साथ लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू पीपल दिस इज़ द लास्ट रियल बुलेट। उसके पीछे बड़ा रीज़न है इसके किक ना होना, बिकॉज न्यू जनरेशन में जी कंपनी ने किक निकाल दी है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो लोग इस बाइक को प्यार करते हैं, जो लोग इसके फ़ैन फॉलोइंग है जिन लोगों की, वो उन लोगों को ये चीज़ से फ़र्क पड़ता है एंड बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो कंपनी को उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए था, आई थिंक शायद हाँ, बिकॉज रॉयल फील्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड जो लोग स्टैंडर्ड ख़रीद रहे हैं वो सिर्फ किक के लिए ख़रीद रहे हैं, इसके बेसिक्स लुक्स के लिए ख़रीद रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट अदर स्टफ। राइड, कभी आपने रोड पे हाथी चलते देखा? स्लो, काम, बट अपनी मस्ती में, उसको किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। That's it. City? Yes, it's heavy, but easy to move. वरी करने वाली कोई बात नहीं है। Highway? Yes, you can drive all day long. But एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी टॉप स्पीड 80 होगी। That's it. Because उसके बाद या आप काम पोगे या ये। बात करें लुक्स की, जिसको बुलेट पसंद है उसको सिर्फ बुलेट पसंद है, उसको किसी और बाइक के साथ कोई लेना देना नहीं। So what about the reliability? Everybody knows it. इसका मैकेनिक आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। तो ये तो कुछ बातें जिससे बुलेट खरीदने वाले का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज जिसको बुलेट लेना है उसको सिर्फ बुलेट लेना है। राइड 4, सिटी 4, हाईवे 3, लुक्स 3, रिलायबिलिटी 2। शुड यू बाय इट? एब्सोल्युटली नॉट। बट जिस बंदे ने इस बाइक को खरीदना है वो इस टाइम रिव्यूज नहीं देख रहा होगा, बिकॉज जिसको बुलेट चाहिए उसको सिर्फ बुलेट चाहिए। क्या बोला? टोटल बताया ही नहीं। क्या करोगे टोटल जान के? बेइज्जती करवानी है क्या? 16 out of 25। आज की वीडियो यहीं तक थी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको भी मेरी तरह इन मशीनों से इतना ही प्यार है।